नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम भूमिका इस चुनाव में निभाने जा रहा है। मेरे साथ बागपत से छपरौली विधानसभा से मेरे साथ विधायक जी हैं सहिंदर सिंह रमाला साहब, उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव बहुत बढ़िया, जनता का अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, क्या नज़र आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि 2017 से पहले कहा जाता था कि भाई दंगा प्रदेश, गुंडा प्रदेश, और पश्चिम तो खैर उसके लिए फेमस था, 5 साल में क्या तस्वीर बदली? कानून व्यवस्था की तस्वीर, इन पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, इसको लेकर सुख और शांति है। जो पहले दो समुदाय में तनाव रहता था, वो तनाव खत्म हुआ है। उसको लेकर के आज कोई भी गुंडा बदमाशी दिखाने की कोशिश करता है, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। गुंडों को उत्तर प्रदेश में ख़त्म करने के बाद में उत्तर प्रदेश की नई एक पहचान बनी है। देखिए, क्या कहेंगे, 5 साल आपने विधानसभा में गुजारे, कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा था आपके विधानसभा का जो आपने इस 5 साल में सॉल्व किया, और कौन सा बड़ा मुद्दा भी रह गया है कि यदि विधायक सहिंदर सिंह रमाला फिर से जनता चुनती है, जनता का प्यार आपको अपार मिल रहा है क्योंकि लगातार आप गांव-गांव भी घूम रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है सर 5 साल में, क्या तस्वीर आपने बदली, और क्या आपकी बार अगर जनता आपको चुनकर भेजती है विधानसभा में तो कौन सा बड़ा मुद्दा रहेगा? पिछले 5 सालों में छपरौली विधानसभा क्षेत्र में है ऐतिहासिक विकास हुआ, जो पिछले कभी 40 सालों में नहीं हुआ था, और इन 5 सालों में छपरौली विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। ये क्षेत्र गन्ना बाहुल क्षेत्र है। गन्ने की अगर बात करूं, यहाँ पर रमाड़ा में चीनी मिल है, उस चीनी मिल में 328 करोड़ रुपए की लागत से उसकी कैपेसिटी को डबल किया गया है, जिसके लिए क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और क्षेत्रवासियों का पूरा मुझे इसके लिए सहयोग और समर्थन मिल रहा है। दूसरी मैं आपको बताऊं, बिजली को लेकर के यहाँ पर बड़ी परेशानी रहती थी, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं लाइन नहीं है, केबल नहीं है, क्योंकि फीडर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में चौगामा क्षेत्र में 98.5 करोड़ की लागत से एक 220 kV का पावर हाउस भी बनाया गया, जिससे क्षेत्रवासियों को एक बड़ी राहत मिली, क्षेत्र में खुशी की लहर है इसको लेकर के। ऐसे ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में वो छपरौली कस्बा में आए थे और उन्होंने इच्छा जताई थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए यहाँ एक सेतु निर्माण होना चाहिए। उस सेतु को उसके बाद से बहुत सारी सरकारें बनी हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, किसी ने उसकी चिंता नहीं की है। उत्तर प्रदेश में यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद में और इस क्षेत्र का एक सदस्य होने के नाते मैंने उस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी तक उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से, उनके आशीर्वाद से 87 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सेतु आज निर्माणाधीन है, जो बहुत ही जल्द तैयार होने जा रहा है। ऐसे ऐतिहासिक काम छपरौली विधानसभा क्षेत्र में हुए। दो बड़े काम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्षेत्र छपरौली विधानसभा क्षेत्र पे आप कह लीजिए सभी किसान मजदूर का क्षेत्र है, अधिकतर जाट बाहुल क्षेत्र है। जाट बाहुल क्षेत्र में हमारे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी हुआ करते थे, जो किसान और मजदूरों के नेता थे। एक रमाड़ा से लेकर टांडा तक एक सड़क का चौड़ीकरण कराया गया है। उस सड़क का चौड़ीकरण कराने के बाद में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने 1937 से लेके और 1977 तक 40 साल की राजनीति यहीं से की है, उस सड़क को ना चौधरी चरण सिंह मार्ग दिलाने का काम किया। दूसरा कह लीजिए कि भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता सरदे महेंद्र सिंह टिकैत जी हुआ थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम से किशनपुर बिराल से लेकर के और पुसार तक का 11 किलोमीटर की रोड का चौड़ीकरण किया गया, करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से उसका चौड़ीकरण हुआ। उस मार्ग को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग दिया आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, इस क्षेत्र की जनता को और सभी को, गरीब को, अमीर को, सभी को बहुत ही सम्मान देने का काम किया। कोई विधायक विधानसभा जीतता है, चुनाव जीतता है, उसके बाद अक्सर देखा जाता है या तो वो लखनऊ जाते हैं इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो, या फिर हम दिल्ली में अपना निवास बनाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर निवास बनाया और मैंने सुना है कि कोई दिन डिसाइड से, कि यानी कि आपके किसी कार्यकर्ता को या आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, यदि मेरे को मिलना है, किसी भी कार्यकर्ता को मिलना है तो सीधा यहाँ पर आ जाए, विधायक जी बैठे हुए मिलेंगे। उसमें एक मैं आपको बताऊँ, 1983 से 1983 से लगातार मैं चंडीगढ़ में सेटल हूँ,
मेरा कारोबार चंडीगढ़ में है, मेरे बाल बच्चे सब चंडीगढ़ में हैं। जब मैंने राय समाज सेवा की इच्छा जाहिर की, पहले मेरा मन भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगा। मैंने तो एक व्यापारी होने के नाते कुछ अपने ट्रस्ट के माध्यम से समाज की सेवा करनी शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे जनता से इतना लगाव और जुड़ाव हो गया और मुझे लगा कि मैं अगर बड़े स्तर पर कोई क्षेत्र की सेवा कर सकता हूँ, क्षेत्र का विकास कर सकता हूँ, उसके लिए एक रास्ता है राजनीति। मैंने तब राजनीति को चुना और राजनीति को चुनने के बाद में जैसे ही 2017 में जनता का मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला, उस टाइम मैं बड़ौत कस्बे में रहता था जी। और चुनने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि जिस जनता ने मुझे चुना है मुझे उसके बीच में रहना चाहिए, उनसे दूरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग साधन संपन्न नहीं है। गरीब जनता को अगर मेरे से मिलना है, उसके पास स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, बस में पैसे देने के लिए नहीं है और उसका कोई काम रुका हुआ है, तो बेबस हो जाएगा मेरे तक पहुंचने के लिए। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं छपरौली विधानसभा के सेंटर पॉइंट में रहूं ताकि यहाँ के एक आम आदमी को मेरे से मिलना और अपनी बात कहना और अपने दुख सुख साझा करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पैतृक गांव रमाड़ा में ही रहता हूँ और यहाँ से मुझे जनता का बहुत अपवार मिला है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मिलने के 2 दिन तय किए थे कि मैं सोमवार को बृहस्पतिवार को मिलता था। उसके अलावा मैं क्षेत्र में वो रहता था कि किसी के भी दुख सुख में सबके साथ से हिस्सेदारी साझेदारी रखता था और मेरे बड़े भाई परमानेंट इसी काम के लिए वो कभी किसी पुलिस थाने को, पटवारी, तहसीलदार को कभी कोई फ़ोन नहीं किया उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में। यानी कि कोई ऐसा नहीं रहा कि भैया मैं बोल रहा हूँ विधायक जी के यहाँ से, इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़। किसी को भी इस क्षेत्र में नहीं पता कितने बच्चे हैं, कितने भतीजे हैं, कितने भाई हैं, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है राजनीति में, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बड़े भाई का एक ही काम था, कहीं किसी की तेरवी पे जाना है, किसी के दुख सुख में जाना, जन्मदिन में जाना, सिर्फ सामाजिक कार्य है ताकि जनता ने जो चुना है उनको एहसास हो कि हमने अपने एक परिवार का सदस्य चुना, ना कि नेता चुना है। इसको बैखूबी 5 साल मैंने निभा, जिसका आज मुझे नतीजा भी मिल रहा है और जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। मैंने सुना है कि जब भी आप आते हैं चुनाव प्रचार से तो कोई डाइनिंग टेबल अलग से नहीं बनी हुई आपकी, सीधा आप आए, आपने कहा भाई खाना खाना है, तो जो कार्यकर्ता है जो आपके संग लगा हुआ है, जो बाहर बैठा हुआ भी आपसे मिलने भी आया है, आपने सीधा कहा भाई यहीं खाना लगवा दो। मैं सबके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, कोई अलग से खाना नहीं खाता। और जब भी ऐसा कुछ लगा कि अभी लोग सुबह मिलने के लिए आए हैं तो मैं नाश्ता भी कर लिया और उन लोगों के साथ साथ मैं बात भी सुन लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, समय को बचाते हैं आप। मुझे जनता के बीच रहना, लोगों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है। इसको मेरा परिवार है और परिवार में जो प्यार मिलता है निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता है। इसका एक कारण मैं आपको सीधा सा बताऊं, आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा। पहले राष्ट्रीय लोकदल का एक छपरौली विधानसभा को गढ़ कहा जाता था और आज आपके आशीर्वाद से, इस जनता के अपार समर्थन और सहयोग और स्नेह से उन्होंने अपना टिकट किसी घोषित किया और घोषित करने के बाद ही 48 घंटे के बाद ये निर्णय लेना पड़ा कि ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसको चुनाव नहीं जीता पाएंगे, जिसको वो कहते हैं कि पिछले 84 सालों से ये घट रहा है। इतना भय, जो जनता की ताकत मेरे साथ में है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो उस भय से उनको अपना टिकट बदलना पड़ा। और जिसको ये कहते थे कि भाई ये है, आज छपरौली विधानसभा की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, आप इस सीट को जीतने के लिए जा रहे हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, आप जाट समुदाय से आते हैं, कवाल कांड हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सचिन चौधरी, गौरव चौधरी जो कि आपके समाज से हैं, मतलब उनकी, उन्होंने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए अपने शरीर को, अपने को बलिदान कर दिया, हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे सर? क्या जाट समुदाय इस चीज़ को भूल जाएगा? क्या मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत के जो लोग हैं, छपरौली के जो लोग हैं, इस चीज़ को भूल जाएंगे क्या? आज 2 चीज़ें अलग अलग मैं इसको रखना चाहूँगा आपके सामने। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, पहले उसकी इंसानियत देखो, उसका चरित्र देखो। उसका चरित्र यह है कि उन्होंने ऐसा अन्याय किया, वो लड़की रोजाना स्कूल जाती थी, उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया, व्यवहार किया, और उसके साथ में उसके भाइयों ने अगर उसके अभद्र व्यवहार करने के लिए उसको ऐतराज़ किया तो एक समुदाय के लोगों ने इकट्ठे होकर के उन दोनों बच्चों की हत्या कर दी है। इस बात को लेकर के आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा बहुत ही आक्रोशित है। 2013 से लेकर आज तक इस बात को भुला नहीं पाया और ना ही वो भुला सकता। और ये गठबंधन होने के बाद
क्योंकि उस समय की सरकार अखिलेश सरकार थी और सारी जो कार्रवाई हुई है अखिलेश सरकार ने, जो जाट समुदाय की आप बात करें, जाट समुदाय के लोगों की FIR तक नहीं ली गई है, उनके साथ अन्याय हुआ। करीब ऐसे 1600-1700 बच्चों को जबरदस्ती जेल भेजा गया, उन बच्चों का कैरियर ख़राब किया गया। उसको लेकर के यहाँ सब एक दूसरे के परिचित हैं, सबकी रिश्तेदारियाँ हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा खराब भावनाएं जो हैं ना आज, जो आज ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी को लेकर के हैं। दूसरा, जैसे मैं प्रचार में भी जा रहा हूँ, अब जनता ने ये कहना शुरू कर दिया कि समाजवादी पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है। इसमें एक ही परिवार के 2012 से लेकर 2017 तक 32 लोग लाभ के पदों पर रहे हैं। उन लोगों ने इसके साथ अन्याय किया, इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया है, इस क्षेत्र में कभी कोई विकास नहीं कराया, और एक बिरादरी का इन्होंने अपमान करने के लिए और उनके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के लिए पूरा अपने टाइम में इन्होंने ऐसा किया। इसलिए आज पूरा जाट समुदाय अखिलेश के गठबंधन के खिलाफ खड़ा हुआ। आखिरी सवाल आपसे यह है, क्या नज़र आ रहा है जाट अब की बार, क्या अखिलेश जयंत चौधरी के साथ जाने वाले हैं या फिर भाजपा की नीतियों के साथ जाने वाले हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडा तंत्र जो था उसको योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं मंचों से, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो जैसे मैंने कहा, आम आदमी क्षेत्र में सुख और शांति चाहता है, किसान को रात को खेत में जाना पड़ता है, बहन बेटियों को अपने स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है, आम महिलाओं को भी अपना खेत बार में कहीं खाना लेके जाना पड़ता है, काम है। जिस तरह की सुख और शांति हुई है, इसके लिए आमजन विशेषकर महिला बहुत खुश हैं, और इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को सराहा जा रहा है, इसलिए उनको समर्थन मिल रहा है। क्या कहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि अब की बार जनता जनार्दन आपको फिर से विधानसभा भेजेगी। 100% इस बार छपरौली विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलने जा रहा है। तो हमारे संग थे सेंदर सिंह रमाला साहब, जो कि विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हो, हालांकि विधायक भी हैं। जनता कितना प्यार बरसाएगी, जितना जनता कितना समर्थन दे रही है, विधायक जी आश्वस्त हैं और अब की बार फिर से विधानसभा की तैयारी है। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, छपरौली विधानसभा से।